ये दर्द ही में डाल था। अच्छा, आपके साथ और भी सहयोग करते हैं कोई? नहीं, बाल वाला तेल। बाल वाला तेल उम्र हो ही बेटा मोह। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। आज रविवार का दिन है और आयुर्वेदिक तांत्रिक औषधि में आप सभी का बहुत स्वागत है। आज हम आपको यहाँ पर एक माता जी हैं जो यहाँ पर आयुर्वेदिक की दुकान लगाती हैं, उनसे जानकारी लेंगे कि उनके पास क्या क्या चीज़ें हैं। जिस उम्र में आप देखेंगे कि लोग भिक्षा मांग कर जीवन यापन करते हैं, उस उम्र में माता जी यहाँ पर कैसे जंगल से यहाँ पर जड़ी बूटियों को लेकर आती हैं और उनको कूट के किस तरीके से इनको बना करके जन सेवा कार्य में लगा रही हैं। पहले आपका नाम बताइए। समर्थी नाम जी। आप उम्र क्या है माता जी? उम्र हो ही बेटा मोह 60-70 हो ही। 60। तो माता जी इस उम्र में आप यहाँ पर इतनी मेहनत करते हैं तो कैसा लगता है ये काम करना आपको? अब अच्छा लगता है बेटा, अब ये तो धंधे कर था। ये जड़ी बूटियाँ आप लोग कहाँ से लाते हैं? जंगल से। जंगल से हैं। तो इस उम्र में जंगल जाने आने में तकलीफ? लनमात हूँ, लान के बैठे बैठे बनात हूँ। अच्छा, आपके साथ और भी सहयोग करते हैं कोई? नहीं, मैं अकेले हूँ अभी। अकेले करते हैं? अकेले। जी। अमरकंटक में दूर दूर से पर्यटक आते हैं और यहाँ पर्यटक एक हमारे साथ हैं जो कि यहाँ जड़ी बूटी की दुकान पर हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं माता जी इस उम्र में जड़ी बूटी का काम कर रही हैं, क्या कहना चाहेंगे आप? ये इस उम्र में भी जड़ी बूटी का काम कर रही हैं, ये बहुत ही अच्छा काम है। ये हमारे स्वदेशी जो व्यापार है वो बढ़ेगा इससे इनकी इनको भी कुछ सहायता मिलेगी, ये भी आगे बढ़ सकेंगी। मैं तो चाहूँगा कि जितने भी आते हैं, जो भी कुछ भी तकलीफ हो, परेशानी हो, तो यहाँ की जड़ी बूटी अपनाएं, उससे स्वस्थ जीवन जिएं। जी हाँ, जैसा कि आप देख रहे हैं तो माता जी स्वयं अकेले ये कार्य करती हैं। तो आपको इन सब जो भी यहाँ पर जड़ी बूटियाँ उनके बारे में जानकारी देने के लिए वैद्य प्रदीप शुक्ला जी के पास लेकर चलते हैं और वही आपको इन सब विषय में जानकारी देंगे। तो नमस्कार। लगातार हम लोग औषधियों के बारे में तो आपको दिखाते ही हैं, जो अमरकंटक से दूर दराज से लेकर के जो भी अमरकंटक के वनस्पति है, वनस्पति के बारे में जानकारी देना, औषधियों के बारे में जानकारी देना और उनके द्वारा निर्मित जो सामग्री होती है उसमें क्या डाली जाती है, के डालकर बनाते हैं, कौन कौन सी औषधियाँ डलती हैं, ताकि आप गुमराह ना हो सकें, आपको उचित मार्गदर्शन के तहत ही हम आपको दिखाने का एक प्रयास करते हैं। और जो नए बच्चे सीख रहे हैं, यूनिवर्सिटी वगैरह के बच्चे जो आयुर्वेद सीख रहे हैं, उन लोगों के लिए भी एक सहायक पूर्ण बनती है। और लोगों का बहुत अच्छा कथन है कि आपके द्वारा बताई गई औषधियों से निर्मित हम नए नए शोध क्रियाओं पर आगे बढ़ पाते हैं। तो आज हम माता जी के साथ में हैं, तो माता जी ये बताइए, सबसे पहले हम ताज़ी औषधियों के बारे में आ जाते हैं। ये शंखपुष्पी, इसका आप उपयोग किन किन बीमारियों में आप करते हैं? ये बीमारी माँ ये बालों में लगाते हैं, इला बाल में डालते हैं, आदोदास मात है, दिमाग वाली है या वाली। अच्छा, ये बिरमी है, बिरमी आदोदास। तो इनको आप किस किस औषधियों में डालते हो, जैसे कौन कौन सी औषधियाँ बनाते हो तो आप डालते हो? बाल में डालते हो? बाल में डालते हैं। तेल वाले? हाँ, तेल बनाते हैं। हाँ। ये भी बनाए हैं। अच्छा, बाल वाला तेल? बाल वाला तेल। हाँ, और ये माँ डालते हैं नीलकुंडी। अच्छा, महाकाल तेल? महाकाल माँ कोचला, अकल करिहारी और धतु, जंगली प्याज, ये मैं सब जड़ी डाल के बनाते। अच्छा, टोटल कितनी औषधियाँ डालते हैं आप? टोटल मैं 56 से जड़ी डालती हूँ बाबू। 56 प्रकार की औषधियों से? हाँ। जैसा कि आपने देखा महाकाल तेल 56 प्रकार की औषधियों से निर्मित की जाती है और इसके बारे में कोई 72 प्रकार की डालता है, कोई 50, कोई 36, कोई 32, जो जैसा निर्मित है और उसी हिसाब से इनका तेल निर्मित है और समस्त रोगों पर दर्द के लिए बहुत अच्छा काम करता है। तो अगर जैसे आपको कभी अमरकंटक कपिलधारा आप आते हैं तो यहाँ से आप ये औषधियाँ ले सकते हैं, समस्त बात रोगों के लिए, बात साइटी का, लकवा, समस्त दर्द के लिए, तो ये आप इनका उपयोग कर सकते हैं। ये अपन हाथ की दवाई। हाँ, फिर ऐसे ऑनलाइन में भी भेज सकते हैं। अच्छा, भेजते हैं ऑनलाइन में जो। और ये बालों वाला जो तेल है ये किस किस कैसे कैसे बालों में काम आता है? बाल झड़ना, पकना, किस काम आता है ये? बाल नहीं झड़े, बाल नहीं पके, बाल काला रहता है। अच्छा। ये मैं बनाती हूँ, मैं जटामासी,
सनफूसकी, बिरमी, भेंगराज और कपूर। कपूर इतना सामान इनमें डाल के बनाते हैं। अच्छा अच्छा अच्छा। गुलबा कावली है तो गुलबा कावली के पौधा मैं लगा ले हूँ, भू या फूल के बनाती हूँ, सड़ोना पड़ते। अच्छा पड़ता फूल ये देखा भाई, ये गुलबा कावली के फूल है, यही फूल के मैं फूले फूल के रख निकालती हूँ, जैसे दारू बनाते हैं वैसे निकालती हूँ। अच्छा अच्छा। हाँ। पुरानी पर कितने दिन गलाते हैं इसको? एला 3-4 दिन ऐसे गलाते हैं, जब गल जाए तो एला फिर बनाते हैं। तो जैसे कि आपको हम बता दें कि ये शंखपुष्पी है और माता जी ने बताया कि बालों को बढ़ाने में और बालों के लिए उपयोग में लाते हैं, उसके अलावा बुद्धिवर्धक भी होती है। जैसे 18 प्रकार की आपको ब्रह्मास्त्र से संबंधित औषधियाँ बता चुका हूँ कि 18 प्रकार की ब्रह्मी होती है, जिसमें से शंखपुष्पी भी होती है, और इन्होंने ताज़ा रखा है, मुझे अच्छा लगा और वो चीज़ हम आपको दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। और इसकी एक ख़ास बात बता दें कि जब कभी किसी व्यक्ति को पेट में दर्द हो तो इसका पूरा पंचांग निकाल करके जड़ मूल फूल पत्ती जो भी मिल जाए आपको, पंचांग अगर मिल जाता तो अति उत्तम, उसको निकाल के और इसको कूट लीजिए। कूटने गीला हो या सूखा उससे कोई मतलब नहीं रहेगा, गीला रहता तो ज़्यादा काम करता है ताज़ा। और उसको तत्काल पेट वाले व्यक्ति को आप खिला दो या पिला दो, घोल करके नहीं खा सकता तो उसका पेट दर्द तुरंत ही आरामदायक हो जाता है। ये वो पुराने समय में इसका उपयोग करते थे, है ना। बाकी बुद्धिवर्धक तो होती ही है, इसका सेवन करने से, बाकी इसमें 2-3 प्रकार की औषधियाँ मिला दें तो और ज़्यादा अच्छा हो जाता है। तो आगे माता जी हम आपसे बात करते हैं, जैसे ये निर्गुंडी है, है ना, इस निर्गुंडी का आप किन किन रोगों पर आप उपयोग में लाते हो? वही दर्द के, दर्द लझोंकते बेटा, ये दर्द वाली है, ये दर्द की है, साइड का की है, कमर की है, मूंछ की है, सूजन की है, हर प्रकार के बीमारी की है यह। अच्छा अच्छा। हाँ, यह पूरा प्रकार के बीमारी के है यह। आपको बता दें कि ये निर्गुंडी है, इसका नेगुड़ भी बोलते हैं, और 8 प्रकार से संभालू होते हैं, जिसमें चावल भी, खूनी चावल भी आता है, इसको संभालू में भी नाम आता है। जैसे आज संभालू बोलते हैं तो 8 प्रकार के संभालू होते हैं, उसमें से इसका भी, ये कायाकल्पी भी होता है, जो तांत्रिक प्रयोग के द्वारा इसका 6 महीने सेवन करने से आदमी 6,000 वर्षों तक, 5,000 वर्षों तक, 10,000 वर्षों तक इसमें जीवन यापन कर सकते हैं। ये वो औषधि है, इसको साधारण औषधि नहीं समझी जा सकती है, और उसके अलावा किसी भी प्रकार के दर्द में इसका उपयोग किया जाता है। और इसका कुछ ऐसे वैद्य हैं जो बचपन में मैंने देखा था, इसकी सेकाई करते हैं, गुटका पद्धति भी इसी से चलाते हैं, यानी घुटना वगैरह हो तुरंत 5 मिनट में आराम मिल जाता है। ये वो चीज़ें हैं, तो ये निर्गुंडी के बड़े लाभदायी होती है और तांत्रिक प्रयोग है। इस विषय पर आज हमारी औषधि संबंधित है, इसलिए तंत्र क्रिया की कोई बात नहीं होगी, बाकी हमने आपको बताया। लोग पूछते हैं तो 8 प्रकार के संभालों में इसका भी नाम आता है। तो माता जी और आगे चलते हैं, ये आपका क्या चमत्कारी तेल है, क्या है ये? है आई मस्तक। आई मस्तक, आई मस्तक। इसमें ये दर्द वगैरह के लिए, दर्द के लिए है, सिर दर्द के लिए है, दर्द वाला भी है, ये हर प्रकार के जड़ीला कूट के पकाए के एला थोड़ा सा डाली जाता है। अच्छा। और हम आपको बताते हैं अमरकंटक के उसके बारे में, जिसे पाताल गुमड़ा कहते हैं, हालांकि ये छोटा फल है आप देख सकते हैं, बाकी इसके बड़े बड़े फल होते हैं और इसमें 7 फल पाए जाते हैं, ऐसा यानी लोगों का कथन है। बाकी अब उसके बारे में तो वही बता पाएंगे जो 7ों फल निकालते हैं, हम तो ऐसा है 2-3 निकाले, बात ख़त्म, जितनी आवश्यकता उतने, बाकी बताते हैं इसमें 7 फल होते हैं, यानी ये 7 लोग की जानकारी देता है। नहीं नहीं, 7 फल नहीं होगा, ये एक ही फल होता है, एक के ऊपर एक ही रहता है। हाँ, एक ही रथ है, एक पेड़ में एक ही रथ है, लेकिन इसमें सुनने को मिलता है कि 7 होते नहीं, हैं। नहीं नहीं, एक अठान इतना माया फल रही, एक फिर इतना में फर रही, एक इतना में फर रही। अच्छा अच्छा, मतलब ऐसा है कि लाइन से गांठ गांठ रहते हैं। गांठ गांठ। हाँ, मतलब 7 ठू रहते हैं क्या? 7 ठन रथ है, 7 ठन 8 ठन 10 ठन भी रथ है, जैसे नार वैसे रथ है। अच्छा अच्छा। हाँ, तो इसका उपयोग आप किस में करते हैं? लीवर के, लीवर के, लीवर के, गैस के, कमजोरी के। अच्छा, तो लीवर में आप इसका उपयोग कैसे करते हैं? इसको कच्चा खाया जाता है, नहीं सीखो कि पाउडर बनाए के खराब। तो इसमें कितने दिन में आराम मिलता है लीवर वाले? इसमें परहेज चाहिए, परहेज में 15 दिन खाई तब लीवर ठीक हो जाता है।
और आपको बता दें कि इसका पौष्टिक में माता जी ने बताया और इसमें, और आपको खुलकर बताते हैं कि इसका एक उपयोग मेरा खुद का परीक्षित और लोगों को भी बता चुका हूँ कि जिसकी भी किडनी ख़राब हो जाती है तो इसको निकाल के, इसका ताजी कली निकाल के 1 से 1.5 चम्मच, ताज़ा फल चाहिए ध्यान रखिएगा, पाउडर नहीं, 1 से 1.5 चम्मच इसका, 2 चम्मच तक इसका रस निकाल लीजिए। कपड़ा सफ़ेद रंग का होना चाहिए, लट्ठे का, सूती का, उसमें से निचोड़ के अगर इसका रस निकाल के अगर आप पीते हैं तो आप 1 सप्ताह में इसका रिजल्ट बहुत अच्छा पाएंगे और किडनी पेशेंट बहुत जल्दी इसमें ठीक होते हैं। और इसके साथ अगर दवाइयां और चलाई जाएं, क्योंकि किडनी पेशेंट है तो उसमें बहुत सारी कमियां होती हैं, तो उसके लिए अलग अलग दवाइयां लगती हैं। बाकी इसका उपयोग करके आप बहुत ही जल्दी आराम पा सकते हैं। अगर कोई वैद नहीं है तो इससे राहत आपको ये रहेगी कि आपको काफ़ी आराम मिल जाएगा। तो और चलते हैं माता जी के पास, और भी दिव्य चीज़ें हैं। ये वो प्याज है जिस प्याज के बारे में माता जी ने बताया था कि इसको महाकाल तेल में डालते हैं दर्द वाले, इसमें तो अब इनके बारे में पूछते हैं माता जी, इसको आप किन किन चीज़ों में उपयोग करते हैं? ये दर्द में डाल, दर्द के अलावा नहीं डाल, वो दर्द में डाल। तो इसको दर्द वाले इसमें महाकाल तेल में डाला जाता है, और यही प्याज है आप देख सकते हो, जंगल की चीज़ें हैं, और ये भी उसी का एक अंग है, ये प्याज है। ये पत्ते वाला सीन आप ले लेना, वो पत्ता का। ये इसका आप पौधा बेचते हैं? हाँ, पौधा बेचते हैं, एकर फूल थे एकर अर्क निकालती हूँ आँख वाली। अच्छा, इसका फूल का ही अर्क निकालते हैं? हाँ, ये गुलबकावली का है। हाँ, ना गुलबकावली है। हाँ, इसे घर में लगाना भी चाहिए? हाँ, लगाए हैं मैं घर में, बारी भर है इसे। तो आपको बता दें कि ये गुलबकावली है, इसे ऐसा माना जाता है कि नर्मदा जी की सहेली थी, नर्मदा जी पुराण के अनुसार में, और ये बाल अवस्था में खेला करती थी, बाद में यह पौधे का रूप धारण कर ली और इसके आँखों से, इसके पुष्प से आँखों की दवाइयाँ, आई ड्रॉप बनती है और बहुत अच्छा काम करती है। कुछ लोग इस पर ममीरा युक्त या फिर तेंदु की रार युक्त बनाते हैं, तो जो अलग अलग काम करती है। और इसकी ऐसी परंपरा है कि ये जन्मजात से यानी अंधा हो, अगर इसकी ओस की बूंदे इसमें से पुष्प में लग गिरी हो, ओस की बूंदे अगर झेल करके किसी वस्त्र में ना, आँख में ही झेलना है, और अगर ऐसा कर दिया जाए तो उसको 7 दिन में दिखने लगता है। ऐसी परंपरा, ऐसी मान्यता है, बाकी इसका कोई परीक्षित प्रमाण हमारे पास नहीं है, लेकिन ऐसा हमने संतों की वाणी से सुना है। ये बनाए हैं माता जी ने बुखार की दवा। इसमें माता जी आपने क्या क्या मिला के रखे हैं? ये अकेले है, ये चिरायता है बुखार वाले। अच्छा। काढ़ा बना के पिए जाते हैं, हड्डी के बुखार निकाल देता है, यानी हड्डी का बुखार यानी सीधा सीधा टाइफाइड कह दे, पूरा निकाल देता है। कितने दिनों में असर हो जाता है? शाम सुबह खाई था 3 दिन तक। अच्छा, और आपको बता दें कि ये चिरायता जो होता है काल में, इसमें एक ऐसी परंपरा है कि अगर इसे, ये अपना अपमान नहीं सहती, अगर इसको खा करके थूक दिए तो ये पूरे 24 घंटा मुंह कड़वा ही रखेगी, ये कभी अपना अपमान नहीं सहती। जिस किसी को परीक्षित करना हो उसका अपमान करके देख ले, ये प्रमाणित है, और इसका प्रमाण भी आपको मिल जाएगा। इसे चिरायता काल में भुइनिम कई नामों से जाना जाता है, बहुत कड़ू। और इसी तरीके से हम आपको ज़्यादा से ज़्यादा आयुर्वेद के बारे में बताने का प्रयास करेंगे, ताकि लोग जान सके और समझ सके। हर बार के लिए हम आपको दिखाते हुए चलेंगे। ठीक है, नमस्कार।